नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही समय है नई शुरुआत का, जीवन में शुभ फल आगमन का। जी हां, हर कोई चाहता है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वो अपने जीवन में कुछ नया करे, मां के आशीर्वाद से कुछ नया खरीदे, जैसे घर, गाड़ी। लेकिन क्या खरीदे, खरीदने का शुभ समय क्या है, ये एक समस्या रहती है। ऐसे में हम हाजिर हैं लेकर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम बताएंगे कि आप इस नवरात्र में राशि अनुसार क्या खरीदें, साथ ही नवरात्र में प्रॉपर्टी स्कीम्स में क्या है आपके लिए खास। साथ ही आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स देंगे सलाह कि आखिर कैसे छोटे शहरों में रहने वाले लोग आसानी से फ्लैट खरीद सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम माँ दिलाएगी घर और गाड़ी। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, और साथ ही शो में हमारा साथ देंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विपुल गोसाई जी। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज है माँ चंद्रघंटा का दिन, तो कैसे की जाए इनकी आराधना? जी बिल्कुल, आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। भगवती दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में आज के दिन पूजी जाती हैं, जिनका नाम चंद्रघंटा है। इनको हम लोग चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। नवरात्र के दिन इन्हीं के श्री विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। इनका रूप जो है वो परम शांतिदायक और कल्याणकारी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है, इन्होंने उसे धारण किया हुआ है, इसी कारण से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा नाम से हम जानते हैं। इनके शरीर का रंग जो है वह स्वर्ण के समान चमकीला है। माता जो है वो दस हाथ वाली है, दस भुजाओं से परिपूर्ण है। इनके दसों हाथों में खड्ग, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि विभूषित रहते हैं। माता का वाहन जो है वह सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है, अर्थात जो भी भक्त इनकी शरण में जाता है उसके सभी कष्टों को हरने के लिए तत्काल जो है तत्पर रहती हैं। इनके घंटे सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव जो है दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। वो आज के समय में हमारे कष्ट को आप दैत्य राक्षस मान सकते हैं, जो भी हमारी समस्या जो हमारी बाधा है उसको आप दानव स्वरूप मान सकते हैं। नवरात्र में दुर्गा उपासना या देवी उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का सबसे ज्यादा महात्म हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज का दिन जो है माता चंद्रघंटा की उपासना जो है किसी भी जातक के लिए या हमारे लिए इस लोक और परलोक में दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला बताया गया है। आज की तिथि में जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, संध्या काल में इस मंत्र के माध्यम से माता की आराधना करनी चाहिए। जो भी माँ चंद्रघंटा की आराधना इस मंत्र से करता है उसका कल्याण हर प्रकार से होता है। ये मंत्र इस प्रकार है, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है। इस मंत्र का जाप आप अपनी सुविधा अनुसार आज के तिथि में संध्या काल में अवश्य करें। किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार का रोग, शोक, कष्ट दूर करने में सक्षम मंत्र है। आपके ग्रहों की जो पीड़ा है, जो आपके कार्य में बार बार बाधक बनते हैं, यदि आप आज की तिथि में माँ चंद्रघंटा की आराधना के समय में इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित आपको उसमें भी लाभ मिलता है। और जब एक बार आपके ग्रहों की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो आपकी जो आकांक्षाएँ हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो लग्जरी, जो सुख आप अपने जीवन में पाना चाहते थे, आप उसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मंत्र अब हमारे सभी दर्शक जान चुके हैं और अब हम जानेंगे राशियों के बारे में कि कैसे किस राशि के जातक नवरात्र में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में स्कंद माता के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। आज मैं आपको ध्यान ये दीजिएगा आप लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ आज किस राशि वाले जातक लोगों को किस स्वरूप की आराधना से क्या लाभ लेना है।
आज की तिथि में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है या दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे यदि मेष राशि वाले जातक, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और खास तौर पे स्कंद माता की आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि माता जो है वो करुणामयी है और भक्त वत्सल बताई जाती है, तो आपका जो भी कष्ट है उसको दूर करके आपको सुख और समृद्धि देंगे। और अब जान लेते हैं कि वृष राशि वाले माँ के किस रूप की करें आराधना। आज नवरात्र की तृतीया तिथि में वृषभ राशि वाले जातक लोगों को खास तौर पे मां चंद्रघंटा की आराधना के साथ साथ महागौरी स्वरूप की उपासना करना आपके लिए विशेष फल देने वाला कहा गया है। ललिता सहस्त्रनाम का यदि आज आप पाठ करते हैं तो वो आपके लिए कल्याणकारी माना जाएगा। अविवाहित कन्याओं के लिए आज आराधना कर लेना बहुत लाभ वाला होता है, आपको उत्तम वर और घर की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ जो भी सुख आप अपने जीवन में चाहते थे, जो आपके लिए अभी तक सपना बना हुआ था, देवी माँ की कृपा से आप अपने उस सपने को साकार कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि वाले कैसे करें माँ को प्रसन्न। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप देवी यंत्र को स्थापित कर उसमें जो है माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें और उनकी उपासना करें, और साथ ही साथ आप तारा कवच का पाठ आज से आरंभ करें और नवरात्र के बाकी दिनों में करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान की प्रदाता और विद्या के अवरोध को दूर करती हैं। आपको विद्या प्राप्ति में जो बाधा आ रही है या ज्ञान प्राप्ति में जो बाधा आ रही है, सुख प्राप्ति में जो बाधा है, उसको दूर करने के लिए जानी जाती हैं, तो आज के दिन आप इस तरीके से आराधना करें, निश्चित लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज कैसे मां की उपासना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप मां शैलपुत्री की आराधना और उपासना करें और उसी के साथ साथ लक्ष्मी सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ करें। मां भगवती की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवती की वरद मुद्रा अभय प्रदान करती है, और जब आपको ये अभय वरदान मिल जाएगा तो आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, अपने लिए घर चाहते हैं, फ्लैट चाहते हैं, निश्चित ही आप जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर सकेंगे। और अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले इस नवरात्र कैसे पाएं घर और गाड़ी का सुख। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज नवरात्र की तृतीया तिथि में मां कूष्मांडा की साधना और आराधना करना चाहिए, आपके लिए विशेष फल देने वाली है। देवी दुर्गा के मंत्रों का, जो भी आपके मंत्र आपकी जानकारी में हो, आप उनका जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी मां के हास्य मात्र से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। देव बलि प्रियाय, अर्थात किसी भी साधक को जो आज की तिथि में मां की आराधना करता है उसको कुछ ना कुछ बलि अवश्य देना चाहिए, अर्थात आप नारियल की बलि दे सकते हैं जिसे सात्विक बलि मानते हैं। नवरात्र में अपनी समस्त असुरी प्रवृत्ति, दुख, दारिद्र, बुराइयों का बलिदान आप देवी माता के चरणों में निवेदित करें, इसे भी आप बलि स्वरूप निवेदित करें और उनसे अपने कल्याण को मांगिए, अपने परिवार के लिए आप कल्याण मांगिए, अपने लिए सुख मांगिए, भवन और आदि सुख, आप वाहन आदि का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रयोग आज की तिथि में आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले कैसे मां की आराधना कर पा सकते हैं वाहन घर का सुख। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, और मां लक्ष्मी के मंत्रों का आप सविधि जाप करें। माता ज्ञान प्रदान करती हुई विद्या के मार्ग के अवरोधों को दूर करती हैं। विद्यार्थियों के लिए आज की तिथि और माता का स्वरूप जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज की तिथि में आपको खासतौर पर विद्यार्थियों को देवी आराधना अवश्य करनी चाहिए, और आज यदि आप माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं, किसी छोटे बच्चे को, खासतौर पर कुमारी कन्या को प्रसन्न करते हैं, कुछ उसको मीठा देते हैं, कुछ उसको भोजन और अन्न और दक्षिणा देते हैं, तो आपकी जो भी अभिलाषाएं थी, जो भी काम काफी दिन से बाधित थे, रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, खासतौर पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील थी या आपकी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब वो आपकी जल्दी ही पूरी हो सकती है। आपको आवश्यकता है आज देवी मंदिर में जाएं और जिस तरीके से मैंने बताया माता की आराधना करें। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं देहरादून से, सप्तक्रांत, अपना सवाल कीजिए। जी पूछिए अपना सवाल। सतपाल चौहान है मेरा नाम। हाँ जी बोलिए। जी पूछना था सर से कि मतलब हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या है। जी सतपाल जी, देखिए आपने अपना जन्म विवरण नहीं बताया, ऐसी परिस्थिति में जिस समय में प्रश्न किया जाता है उसके आधार पर जवाब देना हमारे शास्त्र का मत है, जिसे प्रश्न लग्न कहते हैं, जिस समय में प्रश्न किया जाए।
तो आपके प्रश्न के अनुसार वर्तमान समय आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इस समय कुछ खर्च की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है। यदि आप वर्तमान समय में देवी दुर्गा की आराधना करें, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में देवी दुर्गा की आराधना बहुत अच्छी तरीके से फलित होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की बात भी चल रही है। अगर आप देवी दुर्गा की आराधना इस नवरात्र में करते हैं तो ये नवरात्र आपके जीवन का बहुत ही विशेष नवरात्र सिद्ध होने वाला है। इसमें आपको भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख बहुत अच्छा मिल सकता है। और इस वक्त एक और दर्शक आर्यल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यल जी, अपना प्रश्न कीजिए। आर्यल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न कीजिए। संपर्क हमारा नहीं हुआ हो पाया है। इस बीच रविंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, अपनी समस्या बताएं। संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विपुल गोसाई जी, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। हम उनसे बात करेंगे और आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे शहरों के लोग हैं, अक्सर फ्लैट खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले वो ये जान, उनको ये दिक्कत आती है कि फंड्स का इंतजाम कहाँ से हो। मिडिल क्लास को खासकर ये दिक्कत होती है। क्या सलाह देंगे आज आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आपने कभी भी घर खरीदना है, मेरी ये पर्सनली अपनी एक सलाह ये है कि अगर आपने घर खरीदा, आप पहले बजट बनाते हैं। समटाइम इट हैपन्स कि आप जो एक बजट बनाते हैं और जनरली जो हम चीज़ लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बजट से बाहर चली जाती है। उस टाइम पर आप पैसे की ज़रूरत जो है, आप लेना भी चाहते हैं प्रॉपर्टी को, क्योंकि देहरादून इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे जीटीएम वालों का आप जैसे अभी दिखा भी रहे थे, मैं देख रहा था पीछे, तो उनका जैसे है प्रोजेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी ताकत से बाहर जा रहा है, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं जो एफिलेटेड रहते हैं बिल्डर्स के साथ, और इनके साथ भी बहुत होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छी एक सपोर्ट दे देते हैं, लोन फैसिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं नैनीताल से, पूरन जी। पूरन जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर जी। पूरन जी, अपना प्रश्न कीजिए और कृपया अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो, नमस्कार सर। टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए। नमस्कार जी, पूछिए प्रश्न पूरन जी। नमस्कार सर जी। शायद आवाज सर, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी कुछ टाइम पहले एक थोड़ा जमीन का सौदा होना था, कहीं हमारी इधर नकुचियाताल भीमताल साइड जमीन थी, तो उसका कुछ बीच में अरंगे आ रहे हैं काफी, अभी तक उसका सौदा हो नहीं पा रहा है। कैसा है, क्या है सर घर में, कुछ इस दिक्कत से पूछना था। पूरन जी, अपना जन्म विवरण आप दे दीजिए ताकि आचार्य जी आपको सलाह दे सके। हमारा जन्म विवरण है सर 20/5/89 की डेट ऑफ बर्थ है और दिन है बृहस्पतिवार का, सुबह 4:30 बजे सर। जी जी बिल्कुल। पूरन जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ऐसा संयोग दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई धोखा मिल सकता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया सुझाव ये रहेगा कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि प्लॉट का मामला थोड़ा सा डाइसी होता है, थोड़ा सा दुविधा वाला होता है। पता नहीं जो डील कर रहा है वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं, आपको कैसा प्लॉट देता है। किसी अच्छे रिप्यूटेड बिल्डर से, कुछ अच्छे लोगों से आप मिलकर के यदि बात करेंगे जिसमें जनता का विश्वास है, जिसमें ऑलरेडी लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, यदि आप ऐसी जगह जाते हैं तो वो आपके लिए सेफ और सिक्योर होगा। क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए इस समय नुकसानदायक बनी हुई, यदि अगर आपने जरा सी लापरवाही करके किसी जमीन में पैसा लगा दिया तो आपको नुकसान मिल सकता है। तो ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां आपको एक अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, लोगों के साथ आपको एक अच्छी सिक्योरिटी मिल जाएगी। और मेरा मानना है कि बने हुए अगर घरों में आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न भी आने वाले समय में बहुत अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल। अब और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, विनोद जी। अपना प्रश्न कीजिए विनोद जी। विनोद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न कीजिए। 10/5/1959 जी, जन्म तिथि है 10/5/1959 जी जी, रात को 9:15 जी पटियाला जी। हम मकान नहीं है जी, कोई हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी जी, इसके बारे में बताना जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको एक अच्छा भवन मिल सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। आपको नियम से देवी दुर्गा की आराधना तो करनी चाहिए, साथ ही साथ आप प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत होकर के लाल वस्त्र धारण करें,
तांबे के पात्र में जल लेकर के आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। यदि ये प्रयोग आप करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके लिए अपने भवन प्राप्ति का सपना जो है वह साकार हो जाएगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। तो लगातार हमारे आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको आपके समस्याओं का उपाय बता रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विपुल गोसाई भी बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम माँ दिलाएगी घर गाड़ी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विपुल गोसाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब हम जानेंगे तुला राशि वालों को कैसे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्र को शुभ बनाने के लिए और इस नवरात्र में आज के तिथि में सबसे ज्यादा लाभ लेने के लिए महागौरी की आराधना करना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो सकता है। आज की तिथि में आप देवी काली चालीसा का पाठ करते हैं और सप्तशती के प्रथम चरित्र का यदि पाठ करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रह सकता है और ये जो नवरात्र है वो आपको जीवन पर्यंत याद रह जाएगा, आपके लिए ऊपर ऐसी कृपा माता की होगी। खासतौर पे अविवाहित कन्याओं को आज की तिथि में देवी की आराधना महागौरी की आराधना करने से उत्तम वर और घर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जिनको अपना भवन प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है, आज की तिथि में इस बताई हुई विधि से अवश्य आपको आराधना करनी चाहिए। और अब जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले कैसे माँ को प्रसन्न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप स्कंद माता की उपासना करें जिससे आपको श्रेष्ठ फल मिलेंगे और उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना आज की तिथि को तो अविस्मरणीय बनाएगा, इस नवरात्र के पर्व को अविस्मरणीय बनाएगा और आपके जो भी परिवार में कष्ट थे, दुख थे, दारिद्र थे और अपने घर का और वाहन का जो सुख था, जो आप चाहते थे कि आपको वो प्राप्त हो, वो जल्दी मिल जाएगा। और अब हम जानेंगे कि धनु राशि वाले कैसे करें वाहन और घर का सुख प्राप्त। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप माँ चंद्रघंटा की उपासना करें और देवी के जो भी मंत्र आपको जानकारी में है, जो आप प्रयोग करते हैं, उनका आपको आज यथाविधि अनुष्ठान करना चाहिए। घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाद का जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देता है, तो आज की तिथि में आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना कर लेना सर्वोत्तम लाभ देगा, आपके जो भी सपने हैं वो सब परिपूर्ण होंगे। और अब बारी है मकर राशि वालों को उपाय बताने की। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज नवरात्रि की तृतीया तिथि में मां कालरात्रि की पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माता के नवार्ण मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए और आज की तिथि में माता की आराधना करने से अंधकार से प्रकाश की ओर आपको मां लेकर के जाएगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, खासतौर पर जो भी प्राकृतिक प्रकोप है, अग्नि से जो कष्ट है आपको, वो सब दूर होगा और आप जो है कल्याण को प्राप्त करेंगे। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले आखिर कैसे करें माँ भगवती को प्रसन्न। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में माँ कालरात्रि की उपासना लाभदायक है और उसके साथ साथ देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप का शमन करती है माँ कालरात्रि, तो आज की तिथि में आप यदि माता की आराधना करते हैं, खासतौर पर कालरात्रि स्वरूप की आराधना करते हैं, तो आपके जो सपने हैं, जो सुख के लिए अभी तक आप तरस रहे थे, अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब हम जानेंगे कि मीन राशि वाले कैसे करें माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त। मीन राशि वाले जातक लोग आज माँ चंद्रघंटा की उपासना करें और उसके साथ साथ हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र का अधिक से अधिक यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आज की तिथि जो है वो आपके लिए कल्याण की तिथि है और आज की तिथि की साधना आपको किसी भी तरीके से छोड़नी नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि माता का चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, उनके मस्तक पर जो घंट है वह स्वरूप है ब्रह्मनाद के उस प्रतीक का जो साधक के भय और कष्टों और विघ्नों को दूर करता है, अपनी ध्वनि से समूल का नष्ट कर देता है जो भी आपके कष्ट है, तो आज की तिथि में स्वयं को माता के चरणों में निवेदित और समर्पित करें और अपने परिवार के लिए, अपने लिए कल्याण को प्राप्त करें।
तो उम्मीद है कि सभी राशियों के जातकों ने अपने अपने उपाय समझ लिए होंगे अच्छे से, और माँ भगवती आप सभी पर कृपा बना के रखेगी। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, नेहा शर्मा। नेहा जी अपना प्रश्न कीजिए। मैम मुझे देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या कुछ स्कीम चल रही है, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपने देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप ये देखें कि आपको आपकी ज़रूरत क्या है। आपको 2 BHK फ्लैट सूटेबल रहता है, 3 BHK सूटेबल रहता है? पहले आप इस चीज़ का फैसला करें कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदनी है। दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि बच्चों के लिए पार्क है या नहीं है, पानी बिजली की प्रॉपर 24 आवर्स फैसिलिटी है या नहीं है, STP प्लांट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, उसके अलावा वहाँ प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि जब हम एक ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट खरीदते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप छोटी ग्रुप हाउसिंग में चले जाते हैं जिसके अंदर की 60-70 फ्लैट होते हैं, तो उसमें आपको एक बहुत मेजर समस्या आती है जिसको आपको, जैसे आपको मेंटेनेंस देना होता है। आज तो वो प्रॉपर्टी आपको कुछ हद तक सस्ती मिल जाती है, लेकिन कम फ्लैट होने की वजह से मेंटेनेंस आप पे बहुत भारी पड़ जाता है, और अगर उसमें 50% फ्लैट ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं तो वो सोसाइटी मेंटेन नहीं हो पाती है, और जिससे आपको बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी उस तरह नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए आप एक बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जाएं जहां 600-700 फ्लैट्स कम से कम हो, ताकि आपको मेंटेनेंस कम देना पड़े, ज़्यादा लोग होंगे, खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोसाइटी बन पाएगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल पाएंगी। जी बिल्कुल। विपुल जी, एक और चीज़ जो हमने शो के शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे मध्यम वर्ग के लोग फंड्स इकट्ठा करें, कैसे वो अपना फ्लैट जल्द से जल्द खरीद सके, आपने लोन की बात की थी, क्या बिल्डर्स भी इसमें कुछ सहायता देते हैं? जी देखिए, यस, बहुत बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा है। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत से जो अच्छे बिल्डर्स हैं, नामी बिल्डर्स हैं, उनके साथ बैंक भी जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ वो एफिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं आजकल। कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, बहुत नामी बिल्डर्स, देहरादून में ही अगर मैं नाम लूं, जैसे आपके यहाँ भी दिखा रहे हैं अभी, जैसे आप ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। उनके पास 10 से 11 से 12 बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक्स हैं वो जुड़े रहते हैं, और वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो देनी होती हैं, कुछ पेपर्स वहीं जमा करा देने हैं, बिल्डर्स अपने आप ही उसमें आपको फैसिलिटीज़ दिलवाते हैं। जी ठीक, तो बिल्डर्स के साथ में बैंक्स भी जुड़ना चाहते हैं, तो मध्यम वर्ग अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कैसे फ्लैट खरीदें तो देर मत कीजिए, किसी अच्छे बिल्डर के पास जाइए, अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनसे बात कीजिए, और लोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विपुल गोसाई जी हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम इसी समय पर अपनी जनता के सामने हाजिर होंगे और एक बार फिर बात करेंगे कि आखिर कैसे इस नवरात्र माँ से आप प्राप्त कर सकते हैं उनका आशीर्वाद, आखिर कैसे माँ दिलाएंगी घर गाड़ी का सुख।